थैंक यू यार, जो तूने किया ना एक सच्चा यारी कर सकता है दूसरे यार के लिए। रॉक स्टार है ये। रॉक स्टार नहीं, लव स्टार है ये मेरा। चल अब आगे की कहानी में मैं नहीं रहूंगा। ध्यान रखियो। तू भी। तू जावे जे मैनु छड़ के मौत दा इंतजार करा। क्यों शिखा को वैसे फील नहीं होता जैसे मुझे होता है? आशा, आशा ने अपनी आशा की किरण तो दिखाई बट हमेशा राहुल के साथ डेट पे चली जाती है। समझ नहीं आता मेरी किस्मत खराब है या मैं। सिड, क्या तुमने कभी स्नेक्स एंड लैडर खेला है? हाँ। उसमें 99 वाला सांप याद है, जो काटता है तो सीधा फर्स्ट रो पे चला जाता है और फिर पूरी गेम फिर से शुरू करनी पड़ती है। यार अभी इतनी लाइफ में इतनी टेंशन है, आप क्यों सांप सीढ़ी का खेल मेरे साथ खेल रहे हो ऐसा? वो इसीलिए क्योंकि लव भी एक गेम की तरह है, जहां राहुल जैसे बहुत सांप तुम्हारे रास्ते में आएंगे, पर क्या तुम सांप के डर से गेम छोड़ दोगे? नहीं ना। वैसे ही तुम्हें होप की सीढ़ी चढ़ के लव के इस गेम में आगे बढ़ते रहना होगा। I hope you got my point. Thank you so much, love star. Love you too, bro. Next song, तुम जैसे उन आशिक के लिए जो इश्क में कभी हार नहीं मानती। Not bad. Not bad. It was really good. ज़्यादा उछलो मत। I never understand लोग तुम्हारी बात मान क्यों लेते हैं। ये दिलों की बातें। तुम नहीं समझोगी सनुरीता। Now get back to work. तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। हेलो, may I know who's speaking? तेरी माँ। तुझे खुद लव के बारे में कुछ पता भी है जो लोगों में ज्ञान बांटता फिर रहा है? लोगों को तेरी नहीं, तुझे मेरी एडवाइस की जरूरत है। तू ऐसा कर, तू ना लोगों को ब्रेकअप का ही ज्ञान देना शुरू कर दे। साले फ्रॉड, तेरी एडवाइस देना सिर्फ किसी का ब्रेकअप ही हो सकता है, जैसे मेरा हुआ कधा कहीं का। आप बता सकते? आंखी कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग दिल जलो के लिए। रेडियो पे जो लास्ट कॉल आया था ना, उसका मुझे जल्दी कॉलर आईडी निकाल के देना। मेरे तो क्विक क्विक। जल्दी दे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है। इट्स ओके यार, वैसे भी जिनके फैंस होते हैं ना उनके हेटर्स भी होते हैं। आई नो तुम्हारा मूड कैसे अच्छा होगा। सुनो ना, इस बार जाड़े से पहले आ जाएंगे, बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। एक सेकंड कस्टमर लीजिए भैया। वैसे सॉरी भैया, हमें बहुत बुरा लगा, आज उस लड़की ने आपकी बहुत करारी बेइज्जती कर दी। कौन थी वो? अरे तुम्हारे मतलब का बात नहीं है ना। वैसे तुम्हारे साथ रह रहे के इवन आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस ऑरेंज बार। Relax, चल। इतना affected होने की जरूरत नहीं है। Do you want me to stay with you? No, no, Saisha. It's okay. Take care. I love you. Love you too. Good night. Good night. Calling is switched off right now.
बाकी तू यहाँ? Thank God. किसी भी गॉड को बुला ले, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। पागल हो गई है क्या? क्या हो गया तुझे? पागल तो मैं हो गई थी, तू तेरी बातों में आई। लोग दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करते जैसा तूने मेरे साथ किया है कुत्ते। आगरा राइफल होती ना तो भी तेरी कनपट्टी पे लगा देती। पाखी तू पता है कि हुआ क्या? Calm down. पर अब तो आगरा भी नहीं जा सकती ना, इसीलिए तो यहाँ आना पड़ा। पाखी कुछ तो बता, just calm down right now. Just calm down. पाखी 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 You should be thankful to me. तेरे जैसी को तो ना मैं अपने आसपास भी ना फटकने दूं। व्हाइट पेंट करने से कौवा हंस नहीं बन जाता। पाखी पाखी बाहर निकल यार, यार 2 बज रहे हैं। अच्छा पाखी ये तो बता खाने में क्या खाएगी, तब तक मैं ऑर्डर कर देता हूँ। पीने में क्या है? Hi Saisha, I'm on leave today, not feeling well. ये लो तुम्हारा ड्रिंक। सूखी सूखी पीनी पड़ेगी क्या? थोड़ी जल्दी नहीं शुरू हो गया? I'll be right back. बाकी आज के लिए बहुत हुआ। तू अपनी एडवाइस ना अपने शो के लिए रख, मुझे तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मानी थी एक बार तेरी बात, आज तक भुगत रही हूँ। बाकी पाखी लिसन, पाखी कुछ तो बोल, तू बताएगी तभी मैं तेरी हेल्प कर पाऊंगा ना। और हेल्प नहीं चाहिए मुझे तेरी। हेल्प की थी ना तूने मेरी विक्रम को इंप्रेस करने में, ना ही करता तो अच्छा था। पर तू इसे इंप्रेस करना चाहती थी ना, प्यार करती थी ना उसे, राइट? प्यार करती थी, पर तू भी तो मुझे समझा सकता था ना कि नहीं पाखी, तुझे खुद को किसी के लिए नहीं बदलना चाहिए। और अगर वो तुझसे प्यार करेगा तो वैसे ही करेगा जैसी तू है। तू जैसी है अच्छी है, पर नहीं, तूने तो मुझे विक्रम के लिए पूरा ही बदल दिया। और विक्रम, विक्रम ने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, वो तो मेरे उस वर्जन से प्यार करता था जो तूने मुझे बना दिया था। व्हाइट पेंट करने से कौवा हंस नहीं बन जाता। तेरी ना बचपन से यही प्रॉब्लम है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना। तुझे पता ही नहीं होता तुझे चाहिए क्या। चल सॉरी। कोई नहीं चाहिए मुझे, वो भी नहीं, तू भी नहीं, कोई भी नहीं। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैंने आके गलती की। अरे नहीं की तुमने यार, शांत हो जाओ पाखी, सुनो। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ना तुम, बस शांत हो जाओ। अब मुझे औरों को ब्लेम नहीं करना चल। तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि ये सब मेरा फॉल्ट है। पाखी मुझे पता है ये तेरी फॉल्ट नहीं है। आजा बैठ। तुझे से प्यार था ना, पता है हम जिससे प्यार करते हैं ना उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और तूने तो बस वही किया ना उसकी खुशी के लिए। उसकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशियां भूल गई, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई जल। बाकी शांत हो जा, हम तेरी खुशी मिलके खोजेंगे, ठीक है? प्लीज ऐसे रोना मत तू। बाकी
साइशा, मैंने सोचा कि मेरे लव स्टार का हाल चाल पूछ लूं। कल तुम ऑफिस नहीं आए, एक फोन कॉल से इतना मूड ऑफ हो गया। रियली? वो साइशा, बात ये कि आयशा, आई कैन एक्सप्लेन, तुम अंदर आओ। Waiting, guys. कहानी तब शुरू हुई जब मैंने पहली बार विक्रम को देखा। हॉट है यार ये। बट कॉफी कोल्ड है, मतलब आज से चाय बंद और कोल्ड कॉफी शुरू। Move your... ऐसे नहीं पार्किंग, आराम से। आप पार्किंग ऐसा तो ना, वो हो गया इंप्रेस। तू ना अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है, रहने दे तू। अच्छा 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 सुन ना, अब पक्का ठीक से करूंगी, आई प्रॉमिस। थोड़ी देर रुक जाना प्लीज प्लीज। देख पार्किंग, लड़के ना उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो उन्हें हरा देती। हराएंगे ना। और अगर तुझे विक्रम को इम्प्रेस करना है ना, तो उसे डांस कंपटीशन में हराना होगा। हाँ, समझी? प्रैक्टिस करते चल चल चल। अरे करना। Not bad. तुम तो पहले से ही लवर्स को मिलाने का काम कर रहे हो। यहां तक तो सब ठीक है, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुई जब मैंने विक्रम के लिए खुद को बदलना शुरू कर दिया। पता तब चला जब वो और मैं साथ रहने लगे। बाकी क्या कर रही हो यार? तुम्हें ढंग से डांस करना नहीं आता? I'm sorry विक्रम। तुमसे ना कुछ नहीं हो सकता बाकी। I'm sorry विक्रम। कहां ले क्या कर रही हो बाकी? तुम एक काम करो, इसको ना इसको यहाँ रखो, तुम इसी के लाए। हाय, कैसे दिख रहे हो? बाकी प्लीज, ये सब क्या पहन रखा है? Have some dressing sense, क्या ये? White pant करने से ना कौवा हंस नहीं बन जाता। हम लेट हो रहे हैं पार्टी के लिए, जल्दी जाओ ये चेंज करो। क्या है? वो जो समंदर था, रेत का मंजर था, धोखा था। You're looking beautiful. Thank you so much. आँखों के बाद में देखूंगी। तू क्या कर रहा था? हाँ, यू डिजर्व इट। वेल डन पाखी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई वुड हैव किल्ड हिम। एनीवेज, अच्छा किया जो तुम यहां चली आई। मैं तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती गाइस। जॉब ढूंढ रही हूँ, मिलते ही चले जाऊंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हाँ एग्जैक्टली। चलो गाइस, आई टेक अ लीव। हाँ, मैं आता हूँ ना बाहर। फाकी, जस्ट कम। सैड यार, टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं एक हफ्ते के लिए मुंबई जा रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। तब तक तुम पाखी का ख्याल रखो। थैंक यू साइशा फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगा पाखी के यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम्हें एक फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच का डिफरेंस पता है। सी यू, ध्यान रखना अपना। तुम भी। ठीक है, ओके, बाय बाय। क्या कर रहा है? ऑन एयर जाने का टाइम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार लव स्टार आ गया हूँ फिर एक बार, कर रहे हैं आपसे दिल की बातें चार। क्या बात है, आज किसी को प्यार में कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं? ये तो अच्छी बात है, तो इसी अच्छी बात पर एक प्यारा सा सॉन्ग हो जाए। ब्रो, लास्ट टाइम जो उस लड़की ने तेरी बजाई है ना, आई थिंक लोगों का तेरी एडवाइस पर से भरोसा उठ गया है। फाइनली किसी के तो दिल में दर्द है। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? शिल्पी। सो शिल्पी, दिल के मामले में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो दिल खोल के बताइए। आपके लास्ट कॉल में एक लड़की ने कहा था कि आपको तो ब्रेकअप कराने की एडवाइस देनी चाहिए। Well, Shilpi, I'll try my best. मेरा बॉयफ्रेंड चाहता है मैं रिया जैसी बन जाऊं। By the way, Riya is my friend. I'm confused. उसे रिया पसंद है या मैं? Well, अपने आप को किसी और के रंग में ढलने से तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी बदल नहीं सकती। तुम चाहे बाहर से रिया बन जाओ, पर अंदर से तो शिल्पी ही रहोगी। And one day, that Shilpi will come out. So the moral of the story is कि बदल के प्यार करने को प्यार नहीं सौदा कहते हैं। So Shilpi, I hope you got my message. All the best for your life. Thank you, Love Star. You are amazing. My pleasure. So the next song is specially for you. पल पल चोचे मारते रहना, चुभती है पर हंसते रहना, धागों में कोई गिरा नहीं पर बातों में फंसते रहना। क्या बात है लास्टा, आजकल तो लोगों के बड़े ब्रेकअप कराने लग गए। हाँ, वो क्या है ना कि किसी के बदौलत मुझे लव स्टार से ब्रेकअप स्टार का खिताब जो मिल गया। सॉरी यार, ठीक है, मुझे तेरे ही शो पे तेरी बैंड नहीं बजाने चाहिए थी। बैंड तो तूने बजा दी और पूरी दुनिया ने भी सुन ली। बोला ना सॉरी, अब पूरी लाइफ सुनाएगा क्या? माय स्ट्रॉन्ग गर्ल। दिल टूटा है सब रुठा है, माहिया तू की जग छोटा वे, रब झूठा वे, बंदे आनू की के गया। ओए उठ जा, चल। क्या हुआ? जल्दी खड़ा हो। मैंने तुझे व्हाट्सएप कर दिए पूरी ग्रोसरी लिस्ट, पकड़। कुछ भी भूलियो मत, और आज से इस घर में बाहर का खाना एकदम बंद। इस घर में सिर्फ घर का खाना बनेगा।
क्या हुआ पाखी? कुछ नहीं। अरे कुछ तो बोल। It's that time of the month and ओ अब समझा। अरे तू इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं अभी लेके आता हूँ। कौन सा ब्रांड यूज करती है तू? परी सैनिटरी पैड्स। ओ दैट हैवी फ्लो चैंपियन, दैट वन। एड देखा है मैंने। यू आल्सो वांट मी टू गेट सम मेडिसिंस? नहीं, दैट्स इट। ठीक है, आई विल गेट इट। थैंक यू। थैंक्स फॉर व्हाट? पाकी तो मेरी यार है। And your problems are my problems too. Now that you have got your pari, ab tu ho ja tension free. Listen, I have lined up some interviews for Paki. List bhej rahi hu, tum uske saath share kar lena. Thanks a lot, Saisha. It means a lot. Next time, do orange lolly khila dena. वैसे आज खाने में क्या ऑर्डर किया है? ऑर्डर तो पाकी ने दिया है। आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। कड़ी चावल बनाया उसने आज। मेरे तो ना खुशबू से ही पेट में चूहे दौड़ रहे। चलो तुम अपने कड़ी चावल एंजॉय करो। विल टॉक लेटर। ओके, बाय बाय। आज तो ना हाथ से खाना बनता है। तू ले लेना प्लीज। सॉरी। पता नहीं साइशा ने तुझमें क्या देखा, तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है यार। बात तो तूने ठीक की, नमूने आया हूँ। पाखी। यस, दैट्स मी। बाकी ये या क्या कर रही है? कानपुर की जॉब्स आज ही छीन लेगी क्या? कुछ कल के लिए भी बचा के रख। कहाँ है तू? आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। पाकी, पाकी। उठना यार, उठ। तू, तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। उठ। क्यों परेशान कर रहा है तू सुबह सुबह? सरप्राइज। मैंने सोचा मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, अब जितना हो सके मैंने बना दिया। नॉट बैड, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब तक तुमने मेरा टैलेंट देखा कहाँ है? नूडल्स खा के तो देखो। कैसा लगा? गुड। यम। पहले ही लम्हे में है बेकरारी सी, आगे क्या होगा नहीं है पता। तेरी तरफ जा रहा है मुझे छोड़ के, जाने क्यों आज दिल ये मेरा। शुरुआत नहीं बातें नहीं, अब रातें गई ऐसा लगा।
करने लगी है सफर। तूने देखा तो जीने की ख्वाहिश जगे जिंदगी जैसी तेरी। अब हमें पता चला आपको सब लोग लव स्टार का है बोलते हैं, हमसे एक नहीं पड़ती और आप देखे घूम रहे हैं, क्या बात है। इधर ये ले ऑरेंज आइसक्रीम। तो ये क्या कर दिया तूने बालों को? अच्छे लग रहे हैं ना? मैं गिलहरी लग रही है तू? अब मेरा मतलब है खुश गिलहरी। अरे सच कह रहा हूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। के दरखास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों भुला दे जो अब लम्हात है ये, बड़े ही खास है ये। तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। आंखों में जो मैं खोलता नहीं, वो पूछती नहीं कुछ और मैं बोलता नहीं। हो नक्श लम्हों पे ऐसे बनाए, मुद्दतों से भी वो मिट ना पाए। तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे जो वो कल रात को कुछ ज्यादा पी ली थी ना हमने, मुझे तो याद भी नहीं कल क्या हो। जल साइशा एक्सप्रेशंस गलत है या फिर सच में तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? नो नो, आई एम हैप्पी, बट तुम्हें अचानक देख के समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करूं। हाउ वाज योर ट्रिप? एग्जॉस्टिंग। आई रियली वांट टू गो आउट एंड स्पेंड सम टाइम विद यू। इस वीकेंड चले? गुड आइडिया, चल सकते हैं। इनफैक्ट पाखी को भी अच्छा लगेगा, बहुत दिन से वो घर पे बैठी है। हाँ पाखी को भी ले चलेंगे। अच्छा लिसन ना, मेरी ना एक छोटी सी मीटिंग है, फटाफट खत्म करती हूँ और फिर साथ में घर निकलते हैं।
एक्चुअली मैं आजकल अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, बाकी खाने पे वेट कर रही होगी ना, तो आई थॉट जल्दी टाइम पे पहुंचूंगा. ओके कूल, सी यू लेटर देन, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग आउट दिस वीकेंड एंड वी गोना हैव लॉट्स ऑफ फन. या श्योर, चलो आई विल सी यू, बाय. सो पाखी, हाउ आर योर इंटरव्यूज गोइंग, कहीं बात बनी? नहीं यार, अभी तक तो नहीं. थिंग्स टेक टाइम, हो जाएगा, आई नो तुम कर लोगी. करना तो पड़ेगा यार, मुझे उस विक्रम को दिखाना जो है, उसने जो मुझे लूजर डिक्लेयर कर दिया है ना, वो मैं बिल्कुल नहीं. आई रियली लाइक दिस अबाउट यू पाखी, तुम में ना फाइटिंग स्पिरिट है, तभी तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर तुम घर से भागने से भी नहीं डरी. मैं कोई इतनी बड़ी फाइटर नहीं हूँ, वो सब तो इस जल का प्लान था, मुझे घर से भगाने से लेके विक्रम के पास पहुंचाने तक. नॉट बैड, मतलब सारी मेहनत जलने की और उसे लड़की भी नहीं मिली. पाखी, विक्रम से अच्छा तो तुम जल के साथ भाग जाती, केमिस्ट्री तो तुम दोनों में है ही. नहीं जल, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग. नाइस प्लेस गाइस. थैंक यू. थैंक यू. चल, तुम शायद अपना रूम नंबर भूल गए हो. सॉरी साइशा, वो साथ रहने की आदत सी होगी ना, तो इट्स ओके. गुड नाइट. आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी. बेकरार है बात करने को, हाय साइशा. हाय जल. आज इवनिंग में क्या कर रही हो? नथिंग मच. तो डिनर घर पे प्लान करें? पाखी इज इनवाइटेड यू, उसने तो मुझे सुबह सुबह उठा के लिस्ट पकड़ा था. नो जल, आई डोंट थिंक आई एम अप फॉर इट. कम ऑन साइशा, प्लीज चलो ना, शी हैज रियली इंसिस्टेड. ओके फाइन. हाय. हाय पाखी, हाउ आर यू? गुड, तुम कैसी हो? गाइस, एक गुड न्यूज देनी है तुम लोगों को. गुड न्यूज? मेरी जॉब लग गई है दिल्ली में, परसों से जॉइनिंग है, ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन सब कुछ कंपनी का. बाकी तुझे बताया नहीं? सरप्राइज देना था. और वैसे भी तो जैसे नमूने के साथ लाइफ टाइम तो नहीं रह सकती ना. हाँ वो भी है. कॉन्ग्रेट्स. थैंक यू.
अब तुम लोग अपनी शादी में जरूर बुलाना मुझे, भूल मत जाना मुझे यहाँ से जाने के बाद। तेरे मेरे दरमियाँ है बातें, खाओ ना, हैव इट, टेस्ट तो करो। तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। ओ तेरी, I almost forgot the custard. I'll get it right away. तेरे मेरे दरमियाँ है बातें अनकही, तू वहाँ है पाखी। क्या मीटू? तुम लोग बचपन से ही ऐसे इनसेपरेबल हो? थोड़ी बनास, बचपन से स्कूल में सब हमें जयवीरू कहते थे, और एक बार तो वो इसलिए फेल हो गए था कि मेरे घर वालों को लगे कि जब पाखी पास नहीं हो सकती तो जल क्या पास होगा। थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन है जानता मेरा दिल। एक दिन तो आएगा जब तू लौट आएगा, तब फिर मुस्कुराएगा। मेरे पैसों से वो म्यूजिक वाली ग्रीटिंग कार्ड्स और फ्रेंडशिप बैंड ला दे। बैठे बैठे लाल रिबन से नीट और क्लीन चोटी बनाकर आती थी, और मैं रिबन खोल देता था, वो बोस करती थी और मैं फोटो खींचता था। और ऑरेंज बार, पता है मुझे ऑरेंज बार खाने की आदत कैसे पड़ी? स्कूल से लेकर कॉलेज तक रोज पाखी मुझे आइसक्रीम के थैले पर लेके जाती थी। कभी कभी तो मुझे पापा के पॉकेट से पैसे चुराने पड़ते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाखी को एक आइसक्रीम पसंद थी, मेरा मतलब है ऑरेंज बार मुझे भी पसंद था, मतलब है। अब ऑरेंज बार मेरा फेवरेट है, तभी तो तुम्हें खिलाता हूँ ना। जल, ये सब तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें तो तुम्हें पाखी से करनी चाहिए। क्या कि ऑरेंज बार मेरा फेवरेट है? नहीं बुद्धू, कि पाखी तुम्हारी फेवरेट है और तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। Are you mad? I mean, ऐसा कुछ नहीं है, we are just friends. पता है जल, लोगों को बहुत एडवाइस दी, अब जरा अपनी दिल की भी मान लो और बोल दो उसे। एंड डोंट वरी अबाउट मी, मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, सही टाइमिंग है ना। लेकिन साइशा, तुम्हें क्या लगा बस तुम ही प्यार में सैक्रिफाइस कर सकते हो? हम भी तो हैं इसी गेम में, और अब ना पाखी को किसी और के पास जाने मत देना। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू साइशा। साथ होती हो तो दिल बेटर लगता है, और जब बात जुबान ना कह सके वो लव लेटर लगता है। तुझे देखे बिना सांस नहीं आती, हमारी जान पर बनी है, और तुझे छोटा सा मैटर लगता है। दोनों का सफर मंजिलों पे आकर राहें जुदा क्यों हो गई। पाकी तो मेरी यार है, and your problems are my problems too. कब से वेट कर रही हूँ तेरा, कहा था तू? बाय। और हाँ, अपना टॉप ढूंढते हुए मुझे कुछ मिला था, हम शोर तेरे तो कुछ काम का नहीं है, मैंने सोचा मैं ही रख लूँ, फिर भी तुझे एक बार दिखा देती हूँ, बाद में मुझे मत बोलना कि तेरे से पूछा नहीं।
ले जाओ ना, वैसे भी कब से सड़ ही रहा है ना। इतना सब लिख सकता है, इतना सब बोल नहीं सकता था तू मुझे। पाखी, अगर मैं बोलता तो भी तू समझती? मैं समझती, तो एक बार बोल के तो देखता। बोलने की हिम्मत थी पाखी, पर तेरा सपना तोड़ने की नहीं। पता है, जब तू विक्रम के साथ जा रही थी ना, तो मैं तुझसे कहना चाहता था कि प्लीज मत जा, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। तो बोला क्यों नहीं? तो अब बोल रहा हूं ना, बाकी मत जा। आई लव यू। यार तूने क्या किया जैन मेरा दिया, बेपना इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल